सभी धम्म उपासकों का प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र बौद्ध द्वारा इस बुद्ध विहार में भव्य मूर्ति दान करने वाले डॉक्टर श्रीमती सीता देवी धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल बौद्ध सतलाना वाले परिहार नगर जोधपुर को धन्यवाद दिया। संस्था की ओर से शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भी भेंट दिया। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी छोटे बड़े वॉलंटियर्स और दूर दूर से आए उपासकों का धन्यवाद व मंगलमय यात्रा की कामना की। सभी उपासकों ने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। इस संस्थान में महीने के दूसरे और अंतिम रविवार को ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से देशी विदेशी सैलानी अभ्यास करने आते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जयपुर से श्री बच्चू सिंह बौद्ध की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तनु बौद्ध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहाँ 31 मार्च को बुद्ध प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बौद्धों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा मूर्ति नगर सिवार मोड़ विंदायका पर स्थित महाकारुणिक बुद्ध विहार व बौद्ध शिक्षण संस्थान व सांस्कृतिक केंद्र पर बुद्ध प्रतिमा का अनावरण संपन्न किया गया। कार्यक्रम का बुद्धारंभ पंचशील त्रिशरण बुद्ध वंदना व महापरित्राण सूत्र करके बौद्ध समाज को समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में थाईलैंड से पधारे पूज्य भिक्षु सुद्धम नाथो जी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश चंद बौद्ध, महासचिव भिक्खु डॉक्टर उपनंद थेरो, कोषाध्यक्ष श्री हरिओम बौद्ध, भंते करुणा बोधि दिल्ली, भंते मित्ता बोधि संकिसा यूपी, भिक्खु विमल सागर आगरा यूपी व पूजनीय भिक्खु संघ, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह रिटायर्ड आईएएस, वीएल नवल रिटायर्ड आईएएस, महेंद्र गहलोत प्रदेश अध्यक्ष, नरेंद्र बौद्ध महासचिव परमानंद शाक्य, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार बौद्ध, उपाध्यक्ष के एल महावर जयपुर, जिलाध्यक्ष संजीव बौद्ध, जिला सचिव हरिओम बौद्ध, बी के बौद्ध, प्रज्ञा मित्र बौद्ध, मनोज शाक्य, श्री बच्चू सिंह बौद्ध, उमा शंकर शाक्य, दिनेश शाक्य, कार्यालय प्रभारी महेंद्र बाबू, महिला विंग अध्यक्ष शशि शाक्य, अंजू बौद्ध, जिलाध्यक्ष अर्पणा बौद्ध आदि सहित सैकड़ों बौद्ध अनुयायी इस पावन अवसर पर पधारे। और इन लोग को काफ़ी होंगे यह कथा थी तो मेरा साथी तो मैंने भगवान बुद्ध के चार आसक्तों के बारे में भी बताया। उन्होंने उसी का कारक खोजा था। चार जो आसक्त हैं अपने बारे में शास्त्र से बताया था और उन्हीं की खोज उसी जो आज सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम उनके साथ में चलते हैं तो हम अपने जीवन को मुक्ति पा सकते हैं। तो कह रहे हैं जो पहला हुआ तो किस कारण से होता है उनके साथ जीवन के बारे में हम अगर समाधि करते हैं ध्यान पुरस्कार करते हैं तो हमें होंगे ठीक है ना। जब चार कारण होंगे तो हमें उनके लिए मुक्ति के लिए भी रास्ते हैं। उसके लिए बहुत सारे हमें उनसे जगह दे रहा था। हम चार आसनों से उनके माध्यम से हम अपने लोगों का निवारण कर सकते हैं। जब आप समाधि का पेटी एटिंग हो जब होगा जाना तो मुझे तो कह रहे हैं जब आप समाधि करते हैं यानी इच्छा साधना करते हैं तो हमारी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रज्ञा बहुत ज़्यादा हमारी प्रक्रिया ऐसी उत्पन्न होती है हमारे